सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल के इन पहाड़ों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊं, सुबह के अभी लगभग 6 बजे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश दोस्तों बिल्कुल भूर भूर लगी हुई है। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताऊँ, सामने का व्यू बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज मैं यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के होली क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे जहां पे ये जो अब मेन रोड है, जहां पे दोस्तों ये मेन रोड ख़त्म हो जाता है और उससे आगे नए वाला रोड कनेक्ट होगा, वो बैजनाथ के लिए होगा। तो दोस्तों ठीक, मैं उसी जगह पे अभी चल रहा हूँ जो कि इलाके वाले मंदिर से आगे का रोड है, जिसकी नई अभी कटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये भी यहाँ से जोर शोर से काम लगा हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सामने जो सड़क है दोस्तों, जितना काम हो सकता है यहाँ पे उतना काम हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है और सामने का व्यू दोस्तों बहुत ही अच्छा बना हुआ है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। तो सामने का व्यू आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जगह बहुत ही सुंदर है, इसका मैं आपको आनंद करवाता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और दोस्तों, मैं ठीक जो लक्के वाली माता का मंदिर है होली क्षेत्र से आगे जाके उसी साइड दोस्तों आज मैं गया हुआ था और वहाँ के सुंदर सुंदर व्यू आपको मैं कलेक्ट करके दिखाने की कोशिश। दोस्तों, सुबह का समय है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और धीमी धीमी बारिश भी लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है। तो ऐसा नज़ारा तो हिमाचल के पहाड़ों में ही हो सकता है। तो मौसम बिल्कुल ही सुहावना बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो और नए स्थान के साथ। तो तब तक के लिए सबको जय देवभूमि हिमाचल।